और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं, ये देखना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली पुलिस को पूरे अधिकार हैं कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे। इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या बातें कोर्ट में रखी गई प्रभाकर, जानना चाहेंगे आपसे? प्रभाकर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर बता दें कि बुधवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, लेकिन सीजेआई ने साफ कहा कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी और पुलिस अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस का काम है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पुलिस अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था का मामला है ये और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। अदालत ने किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर क्या बातें की गई थी, क्या लॉ एंड ऑर्डर को एक इशू इसमें बनाया गया मामले में और कोर्ट का क्या रुख रहा? देखिए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए और उसके लिए कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। सीधे सीधे सीजेआई ने कहा कि हम पहले दिन से बार बार ये कह रहे हैं, चूंकि इसके पहले भी इस पहली सुनवाई में भी इस तरह की का मुद्दा उठा था तो उस समय ही सीजेआई ने कहा था और आज भी उन्होंने याद दिलाया कि हम पहले से ही बात को कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस के पास ये अधिकार है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है, बनाया जाना है। कोर्ट ने यह भी कहा, सीजेआई ने भी कहा कि दिल्ली में कौन जाएगा कैसे जाएगा ये तय करना हमारा काम नहीं है, ये काम देखना, ये देखना पुलिस का काम है, अदालत इसमें दखल नहीं देगी। कोर्ट ने ये कहा कि अगर पुलिस दखल देती है उसके बाद से हमारी जरूरत पड़ती है, अभी हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए आप देखिए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तावित किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली है उसमें दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाँ, एक तारीख जरूर लगी है, बुधवार को सुनवाई होनी है, लेकिन बुधवार को सुनवाई में जो एक आरोप है किसान आंदोलन को लेकर कि इसमें प्रतिबंधित संगठनों का हाथ है, फंडिंग उधर से हो रही है, या दूसरी एक याचिका लगाई गई है, एप्लीकेशन लगाई गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी के पुनर्गठन की मांग की गई है, तो उस पर भी सुनवाई हो, उस पर सुनवाई होगी। हो सकता है कि उस दौरान एक बार फिर इस मसले में केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाए कि इसमें अदालत दखल दे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कर दिया कि पुलिस के पास अधिकार है, पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखना है और जो अधिकार है उसके बाद इसमें कोर्ट को आदेश देने की जरूरत नहीं है, पुलिस पर्याप्त, पुलिस की जो क्षमता है, पुलिस का जो अधिकार है वो पर्याप्त है। तो एक तरह से कहें कि अब एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के लिए कह दिया कि आपको जो करना है वो कीजिए, आपको देखना, ये आपकी जिम्मेवारी है कि दिल्ली पुलिस की दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो। तो ये है बड़ी खबर, एक तरफ से अच्छी खबर किसान आंदोलन के लिए कह सकते हैं और दूसरी तरफ से बुरी खबर। अच्छी खबर ये कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल देने से इनकार कर दिया और दूसरी खबर ये कि दिल्ली पुलिस के लिए कह दिया कि कानून व्यवस्था बरकरार रखने की जिम्मेवारी आपको है, आप देखिए आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है। जी बिल्कुल जी। प्रभाकर, और ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण भी रहेगा दिल्ली पुलिस के लिए और खासतौर पर जब 26 जनवरी के लिए इतनी वृहद तैयारियां होती हैं, सिक्योरिटी को लेकर इतने इश्यूज होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है तो चुनौती बढ़ गई है। क्या ये सभी बातें कोर्ट में रखी गई थी दलीलों में? निश्चित तौर पर कोर्ट ने एक बात कही थी कि पहली बात तो यही बात आई थी कि गणतंत्र दिवस का जो वो है फंक्शन है वो एक राष्ट्रीय उत्सव है और उस समय अगर किसानों की रैली निकलती है तो अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है देश की, एक बड़ी बात कही गई थी। दूसरी बात ये कही थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी क्योंकि उस समय तमाम तरह की बाधाएं होती हैं, तमाम तरह की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग तैयारियाँ होती हैं, ऐसे में अगर दिल्ली में
किसानों का ट्रैक्टर रैली जाती है तो उससे उस शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पर कहा, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी थी